प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे, ज्योतिष रिसर्च सेंटर नया बाजार ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने से आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपके फरमाइश पर आज एक अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र शुक्र ग्रह की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में अधिक खराब होता है, क्या प्रभाव देता है, इसलिए जिसके लग्न में चंद्र शुक्र की युक्ति है ऐसे लोग सेक्सी होते हैं, मानसिक परेशानियां रहती है, बुद्धि चलाएवान होता है। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में चंद्र शुक्र की युक्ति हो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, माता पिता के विचारों से मतभेद रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में चंद्र शुक्र की युक्ति हो ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग का करियर नहीं बन पाता है, बेरोजगार रहते हैं और संतान सुख में भी विलंब होता है। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में चंद्र शुक्र की युक्ति हो ऐसे लोग दुश्मनों से परेशान रहते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, बेवजह केस मुकदमा दर्ज हैं। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में चंद्र शुक्र की युक्ति हो ऐसे लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, सोच से परेशान रहते हैं, इनकी बुद्धि चलाएवान रहती है, जीवन में स्थिरता न रहने के कारण ये कभी सफल नहीं हो पाते। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में चंद्र शुक्र की युक्ति हो ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खाते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, मेहनत का इनको सही लाभ नहीं मिलता। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में चंद्र शुक्र की युक्ति हो ऐसे लोग पति पत्नी में विवाद होता है, तलाक की समस्या आती है, पारिवारिक जीवन इनका सुखदायी नहीं रहता है, विवादों में रहता है। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। दोस्तों, अगर कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।